अच्छा, तो ये टॉपिक ट्रेंडिंग है तो इसलिए ये टॉपिक ही डाल दिया। हाँ बग्गी, हाँ, या फिर तुम्हारे पति देव बग्गेनाथ ने ये करा है। भाई आप सबने देख ही लिया होगा, क्योंकि 4-5 घंटे हो चुके हैं। दोपहरिया में एक वीडियो आया था, मम्मी ने इस मंथ किया मेरे पे बहुत खर्च। ओ माय गॉड। वैसे बग्गी, कुछ तो नया नहीं है, सब कुछ तो पुराना है, सारा सब कुछ हम लोग जानते हैं। इसमें तुम नया क्या बता रही हो? कुछ नया बता रही हो तो बताओ। कुछ भी नया नहीं है, पर हाँ, ये टाइटल यूज करके लोगों को जरूर आकर्षित किया जा सकता है। आप सबको पता है कि इस प्रकार के टाइटल में का होता है? भाई लोग कहेंगे, अच्छा आज तो खुद एक्सेप्ट कर रही है। वैसे हमेशा ये बग्गी सफाइयाँ देती थी कि मैं तो ना जो शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं अपने पति ने जो मेरे को पॉकेट मनी दी हुई होती है ना, लोगों ने तो मजाक भी उड़ाए हैं कि भाई बच्चों को पॉकेट मनी मिले है, पति से पॉकेट मनी ना मिले है? बीवी का खर्चा, और जो बीवी खुद भी कमा रही है एक तरीके से, भाई साहब पूरे तरीके से पैसे आते हैं, 75% से ज्यादा तेरी वजह से बग्गी आते हैं पैसे। तो लोगों ने कितनी बार इनको बोला है, लेकिन तब बग्गी हमेशा सफाई देती थी, ऐसा नहीं है, मेरे पति ने मुझे पैसा दिया है, मैं जा रही हूँ अब शॉपिंग करने। इस वाले बार में भी जब घूमने से पहले भी इसने ये बोला था कि इन्होंने बर्थडे वाली वीडियो से प्रीवियस जो है शॉपिंग करने गई थी, तो इसने बोला था इन्होंने पॉकेट मनी मुझे भेजी है और बोला कि तुझे जो शॉपिंग करनी है वो तू कर ले। बग्गे कितनी पॉकेट मनी देता होगा और तुम कितना सामान लेके जाती हो सबको पता है। नो डाउट हर माँ करने की कोशिश करती है, पर बेटी का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं माँ? देखो माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि यार वो अपने बच्चों को, खासकर इकलौती बेटी है, तो कोशिश करते हैं कि नहीं हमारी बेटी के पास ये भी हो, हमारी बेटी के पास वो भी हो, क्योंकि वहाँ किस प्रकार के बर्तन थे, धीरे धीरे कितने बर्तन भेजे गए हैं, और एक लोहड़ी पे भी बहुत सारा सामान गया था, वो आज तक हमें दिखाया नहीं गया। खैर छोड़ो, क्या ही बोले, अब बोला गया था कि ऊपर रख दिया गया है, अब ऊपर से कभी उतरेगा तो दीवार उवार से चढ़ चुड़ के तो पता चल जाएगा। खैर मुद्दे पे आते हैं, तो देखो जनता सबको पता है, हम सबको पता है कि बग्गी की माँ बहुत कुछ करती है, अनलिमिटेड खर्चा करती है, और गरीब गुरबा हो तो करें आंटी जी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका दामाद कैपेबल है आपकी बेटी की वजह से, क्योंकि आपकी बेटी लगातार, भाई इतना अंकल, चलो अंकल जी की गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छा खासा कमाते होंगे, पर आपका दामाद भी ना इस समय गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं कमा रहा है, तो अब काहे नहीं ये सोच रही है, अपने बच्चों का भी दो को पढ़ाना लिखाना है, अच्छा कॉलेज वगैरह चल रहा है, जिम वगैरह भी चल रहा है, तो फालतू में अनवांटेड खर्चा ना करिए, गिफ्ट्स वगैरह देने हैं दीजिए। ये सारी शॉपिंग लोग तमाम पूछ रहे हैं कि ऊना से काहे नहीं होती है, ये सारी शॉपिंग बटाला से ही काहे होती है, तो देखो सबको पता है, सच्चाई भी पता है और ये चीज बग्गी को भी पता है, तो फाइनली आज बग्गी ने ऐसा टाइटल लिख ही दिया कि आज तो वैसे भी इस महीने के 16 दिन निकल चुके हैं, अब आधे से कम बचे हैं, तो भाई मौका है दस्तूर, चलो डॉलर बना लेते हैं, इसलिए टाइटल पड़ा है कि मम्मी ने इस मंथ मेरे पे बहुत खर्च किया। वाह जी वाह। तो भाई पूरे वीडियो में हमने देखा घर की साफ सफाई, खाना पीना, जो मेन चीज था फोकस शॉपिंग जो लेकर आए थे, पहले अपने भाई के साथ, भाई बढ़िया एक्टिंग कर रहा था, जिम उम जाता है तो साथ में मॉडल को खड़ा करके परफॉर्मेंस दिलवाई जा रही थी, और उसके बाद ये दोबारा जो सामान उमान लाए हैं उसके बारे में माँ बेटी बैठ के वो सब दिखा रहे थे, सारा का सारा सामान इन्होंने दिखाया है। लास्ट में बग्गी ने जो है अपना किचन उचन साफ वाफ करा है, ये बॉन्ड अच्छा लग रहा है, और मम्मी जी को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों बाद उनकी बेटी रुकी है, जो कि उनके चेहरे पे दिख रहा है। लेकिन 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 एक बात और पता चली है, भाई जब हमारी दुपट्टा इधर उधर सब सामान दिखाया जा रहा था, तो मम्मी जी ने बातों बातों बोल दिया है कि तू भी ना लेती है, बिना कुछ लिए जाती नहीं है, है? तो वही बग्गी ने बोला का मैं थोड़ी लेती हूँ, मेरा भाई लेता है, मैं आपसे कब लेती हूँ रड़ बताइए, मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन मम्मी जी ने बोला है। देखो बच्चे होते हैं, हमारा छोटा भाई जो था, जब छोटा था अभी तो नहीं, तो अगर मम्मी कोई सामान मंगाती थी तो अगर 10 रुपए का सामान होता था तो कहता था देखो 12-13 रुपया दोगे तभी जाएंगे, उससे पहले जाएंगे नहीं है, और जब बड़ा हो गया तब तो भाई ऐसा है 50 रुपये एक्स्ट्रा चलेंगे क्योंकि हमको वहां पे ये भी लेना है, लेकिन जब से मतलब समझदार हो गया, दो सबकी शादियां हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं करते हैं, है ना? तो
तो वो होता ही होता, छोटे भाई के अंदर ये था मेरे। अभी ये चीज बड़े होने के बावजूद भी अगर बग्गी को हो रही है तो मैं क्या ही बोलूं, जबकि तुम खुद इतना ज्यादा कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अब तुम खुद कमा रही हो, तुम्हारा यही जॉब है, तुम अपने अधिकारों को, अपनी शक्तियों को पहचानो बेटी। हैं भाई, परेतिन की माँ कहाँ चली गई थी? उसके मायके से ससुराल, बताने के लिए कि मेरी बेटी में कितनी पावर है, लाखों कमवाती है, उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो मैं नहीं चाहती तुम उसकी, ना तुम्हारी माँ ऐसा बोल पाएंगी परेतिन के यहाँ जाके, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा इस प्रकार की सोच रख के अपना घर खराब करो। लेकिन 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 आधे से ज्यादा जो पैसा आ रहा है तुम्हारी वजह से आ रहा है, तो एक तरीके से तुम कमा रही हो, अर्न कर रही हो, इसमें तुम्हारे पति को पॉकेट मनी देने का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने माँ बाप के सपने पूरा करो। माँ बाप ने सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमको मतलब छोड़ के सिर्फ लड़कों को ही पैदा किया है, तुमको भी पैदा किया है। सिर्फ लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि माँ बाप के सपने पूरा करना। अगर तुम कमा रही हो, अर्न कर रही हो, हमेशा अगर तुम लेती हो तो तुम भी दे सकती हो बदले में गिफ्ट के नाम से, कि ये मदर्स डे का गिफ्ट है, ये फादर्स डे का गिफ्ट है, ये ऐसा गिफ्ट है, ये वैसा गिफ्ट है, बोल सकती हो ना। लेकिन फिर ये तुमसे क्यों नहीं बोला जाता है? कुछ करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। सिर्फ बहानेबाजी और ये सब चीज़ें बोल के आप ये दर्शा ना पाओगी, दिखा ना पाओगी। बग्गी के जो अभी अंदर ये सारे गुण आ रहे हैं, लग रहा है बग्गा से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ मम्मी लेती नहीं, पापा लेते नहीं, जब लेके आओगे कैसे नहीं लेंगे? अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दो। और छोटकन्नी बड़कन्नी का तो एक सूत्री नारा है, है कि लड़कियों को भी माँ का करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो दूसरे वे में बोलती हैं अपनी माँ को, सिर्फ बग्गी की नज़रों में वो दिखाने के लिए कि ऐसा वैसा फलान ढमक। जहाँ पर कंसिडर दूसरे किया जाता है तो उनके जो बोल बच्चन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिलहाल बग्गी के इन सारी चीज़ों पे लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। 4 घंटे हो चुके हैं और लगभग 4 घंटे के ऊपर हो चुके हैं व्यूज, 4 घंटे के अंदर इनके व्यूज है 5,000। 5,000 जो व्यूज हैं इनके। पीसीओडी आपको शादी से पहले हो रहा होगा, क्योंकि पीसीओडी एक मंथ में स्टार्ट नहीं होता, बट बी केयरफुल। इन्होंने बताया कि ऐसे करो वैसे करो, आपको ये करना है वो करना है, और इसके अलावा कुछ लोगों ने कुछ और एडवाइस भी दी हैं फैमिली को लेकर। लो भाई साहब, अभी से शुरू हो गया कि इनका कहना है कि भाई फर्टिलिटी में भी इशू आता है, और तुम अभी से फर्टिलिटी डॉक्टर के पास संपर्क करो, क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत टाइम लगता है इन सारी चीज़ों का, योगा करो। और बहुत सारी चीज़ों ने, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इनको। इसके अलावा जो बग्गी ने बोला कि लास्ट में कि हर किसी के माँ बाप देते हैं, कोई अलग बात नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही माँ देती, तो बिल्कुल देते हैं, लेकिन इतना नहीं कि माँ देती तो लेते रहो। आपका तो कुछ फर्ज बनता है ना मैडम, कि नहीं मम्मी जी अब यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों ने इस बात को समझा है और लिखा भी है कि माँ तो होती है ऐसे, उनको लगता है कि शादी के बाद भी बेटी और ज़्यादा दो हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं ससुराल वाले करते होंगे कि नहीं करते होंगे, उधर तो दिखता भी है। ससुराल वाले तो खैर हैं ये कंजूस मक्खी चूस, एक ढंग की साड़ी तक नहीं दे पाए, वो तो जानती है बग्गी की माँ बहुत अच्छे से। एक गिफ्ट लेने के लिए इतने सारे लोग गए थे शादी में और इंगेजमेंट में, कितना कुछ बग्गी को किस प्रकार के दिया सबको पता है। आगे पढ़ती हूँ। शौक पूरे करवाते होंगे कि नहीं, ऐसा माँ को लगता है, माँ तो माँ होती है, बट अभी तुम इंडिपेंडेंट गर्ल हो, अपने वीडियोस से कमाती हो, तुम भी अपनी माँ की ज़रूरत का ध्यान दो, तुम कुछ गिफ्ट दो। बिल्कुल यही चीज़ तो मैं भी कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें बग्गी को सोचनी चाहिए, और जो तुम्हारी माँ की ड्रीम है वो पूरा करो। जैसे उनको कहीं जैसे जाना है, या कहीं दूर का दर्शन कराना है, या फिर कहीं अनमान वगैरह ले जाओ फ्लाइट से, ऐसी चीज़ें पूरी करो, उनको प्राउड हो कि ये मेरी बेटी ने करा है। जो ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे वो गई ना हो, अब जहाँ पे वो लगातार बार बार जा चुकी हैं, बग्गा बग्गी को कैसे बेवकूफ़ बनाता है, नेक्स्ट टाइम पापा और मम्मी को यहीं लाएंगे। अरे नास बेटे, अक्ल के मारे ससुर कनाती थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, है ऐसा थोड़ा ना होता है। वहाँ वो बचपने से गई है, और मतलब गर्मी की छुट्टी में जैसे नानी के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ गर्मी की छुट्टी में ऐसे घूमे चले जाते थे पटनीटॉप, तो ले जाना है तो कोई ऐसी जगह ले जाओ जहाँ आपके सास ससुर नहीं गए हों, कोई फॉरेन ट्रिप करा दो,
या फिर कोई और अच्छी जगह चले जाओ, इंडिया में ही तमाम ऐसी ऐसी जगह हैं, लेकिन वहाँ बग्गा इतना दिमागी है वो ये सारी चीजें बोलेगा नहीं, सिर्फ कमाएगा। और ऐसा नहीं कि तू जहाँ जाएगा वहाँ कमा नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा काम ही ऐसा है ब्लॉगिंग करने का, तो हर जगह तुम ये डॉलर कमा सकते हो, लेकिन तुम ये जानबूझ के बग्गी को बस उल्लू बनाए रहते हो। और 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, इस समय जितने भी डॉलर आ रहे हैं सबको पता है कि बग्गी की वजह से आधे से ज़्यादा तुम्हारी कमाई उसकी वजह से आ रही। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना करो। हालांकि एक दिन बग्गे ने कमेंट पिन कर दिया था, उसने तो कमेंट किसी और वजह से किया था, लेकिन सच्चाई यही है बग्गे, जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में उतार लो। और यही सच है कि भाई तुम मानो या ना मानो, दीदियों को भी ये सोचना चाहिए। दीदियाँ सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, हमारी बड़कन्नी जिज्जी कहीं घूमे घामे निकल गई हैं कोनो बात नहीं। इसके अलावा भाई तमाम लोगों ने और भी बहुत चीज़ें कही हैं, तो हाँ जी आंटी जी ने बहुत खर्च किया है, माँ तो माँ होती है, और यहाँ पर दुपट्टा ने कहा है हाँ जी और हार्ट बना दिया है। तो चलो कम से कम तुमने अपने मुंह से एक्सेप्ट तो किया। हम लोग तो कब से कह रहे हैं कि आंटी जी बहुत खर्च कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कर रही हैं, कम से कम इतना ज़्यादा खर्च आंटी से ना करवाओ। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही हो, अभी घर में दो बेटियां और आएंगी, तुम्हारे दो भाई हैं तो भाई दो बहुरियां आएंगी, ठीक है करें, कोई इशू थोड़ी है, लेकिन एक लिमिट में। तुम ना कमाती हो तो हर चीज़ मम्मी जी थमाए थमाए दें, ग्रॉसरी ये वो, ये सारी चीज़ों के लिए तुम स्ट्रिक्टली मना कर सकती हो। और तुम्हारा टर्न है, जब बचपन में तुम्हारे सारे सपने, हेटर्स की तरह से ये वीडियो मत देखना अगर देख रही हो, तुम्हारे सारे सपने बचपन में पूरे करे ना, एक खुद में ये होता कि अब जब मैं बड़ी होंगी कमाऊंगी तो अपने पेरेंट्स के लिए ये करूंगी। तो तुम कमा रही हो, जरूरी नहीं कि ऑफिस जाओ वही जॉब है आपका, ये ब्लॉगर एज ए ब्लॉगर जॉब है। तो अपने माँ बाप के लिए बड़े बेटे बनो, ड्रीम पूरे करो। भाई कहाँ कर रहे हो बग्गी तुम ये। तो सबसे ज्यादा लोगों ने जो रिप्लाई करा है वो इसी के रिगार्डिंग करा है, पीसीओडी। कोई कह रहा ऊना में गायनी के पास जाओ, कोई कह रहा ये करो वो करो, मतलब सब चिंता जाहिर कर रहे हैं, और जो टाइटल है उसके रिगार्डिंग भी कमेंट आ ही रहे हैं, लेकिन सारे कमेंट पब्लिक नहीं किए जा रहे हैं, सुविधा अनुसार आप सबको पता है। पर देखो यही सच्चाई है। खैर अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे पे। सबको पता है कि अंकुश अग्निहोत्री के वीडियो अभी तक नहीं आए हैं, और अगर मैं अभी लेटेस्ट का चेक करूं, एक सेकेंड, हाँ तो ये रहा लास्ट अपडेट, और ये जो अपडेट हुई है अब 3-4 दिन पूरे हो चुके हैं। तो एक जानकारी, एक सब्सक्राइबर ने मेरे चैनल पे कमेंट करी, तो मुझे भी लग रहा है कि ये पॉसिबल है। असल में विगत दिनों में हमने देखा था घर में जगह जगह से पानी निकल रहा था, तो मैं भी ये दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हूँ, सामान इन्होंने दूसरी जगह रख लिया हो, और फिर अभी इनके घर पे चल रहा हो रेनोवेशन का काम, मैं भी इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं वीडियो, क्योंकि भाई लगना पड़ता है, वो पूरे दिन अगर उनके साथ लगे रहो फिर शाम को सीधे बिस्तर दिखता है। ये वजह भी 75% से ज़्यादा वजह ये हो सकती है, बाकी वजह को मद्देनज़र रखते हुए बाकी वजह भी हो सकती हैं, पर ये वाला हमने लेटेस्ट देखा है, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है तो अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। इग्नोर करने से समस्या बढ़ सकती है, और लास्ट वाले वीडियो में इनका टाइटल भी कुछ ऐसा ही था, तो अब दोबारा रिस्क नहीं लेना है तो भाई साहब घर तो सही करवाना पड़ेगा। तो मैं भी अब ये दोबारा अपने घर का सवाल है जो डाला था, तो वो रियल वाले घर का सवाल है, बसाने बसने वाले घर का सवाल नहीं है। तो एग्री मैं भी इस बात से करती हूँ कि मैं भी अभी ऐसा चल रहा हो, पर जनता जनार्दन और सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि एटलीस्ट आप एक अपडेट दे दीजिए, और आई थिंक आपको एक अपडेट दे भी देना चाहिए, क्योंकि जनता आपसे प्यार करती है तभी आपको पूछ रही है। ओ माई गॉड, यू का हुई गवाह भैया, लो भाई हमारी झूठ की दीवानी का एक वीडियो आए गवाह है। औरत के लिए घर छोड़कर जाना इतना मुश्किल होगा ये आज पता चला। ए दीदी, ये वीडियो पे हम अभी देखे तो है नहीं तुम्हारी वीडियो, और इस पे रिएक्ट करने का भी मेरा कुछ खास मन नहीं है, देखा जाएगा, लेकिन 15 मिनट 33 सेकंड का ये जो वीडियो है और इसका जो टाइटल है, इस पे मुझे जरूर रिएक्ट करना है। जो टाइटल है कि औरत के लिए घर छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है ये आज पता चला। दीदी 565 बार से ज्यादा तुम घर छोड़ के न जाने कितनी बार घूम चुकी हो, तुमको घर छोड़ के जाने में दुख कठिनाई परेशानी होता है। काहे झूठ बोल रहे हो दीदी, मतलब यार
इतना झूठ कोने मुंह से बोल लेती हूँ। कतई कतई कभो कभो हमको लगता है कि तुमसे चालबाजन कोई हो ही नहीं सकता, तुमको सिर्फ घूमना पसंद है, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि आपका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जब मन आपका करे आप कभी भी निकल लो, कहीं भी घूम लो, यही आप बोलते हो ना। तो मैं समझ रही हूँ आपकी इस बात को, इस टाइटल से आप लोगों को क्या बता रहे हो। घर में दीवारें और पर्दा और कुकर छोड़ के जाने में कठिनाई हो रही है, बाकी घर के मेंबर से तो देखो कोई एक तो वहाँ है नहीं, और बाकी मेंबर्स के साथ आपको अच्छा ही नहीं लगता है। अब ससुराल पहले जाती थी तो तुम बताती ना कि उलझन होने लगती है, फलान ढमाक। हमने दीदी के बहुत सारे वीडियो देखे हैं उलझन वाले, कि जब कभी मैं जाती हूँ वहाँ रात में नहीं बिता सकती, क्योंकि जैसे रात बीतती है मुझे उलझन होने लगती है। हालांकि एक दो बार वादा भी करी थी, लेकिन सास से फिर इस बार कहलाए दिन जब लोग चढ़ाने लगे कि दीदी तुमने वादा किया था पर निभाया नहीं, तो सासू अम्मा ने खुद ही माफ़ी मांग ली कि देखो कोई मेरी बहुरिया से ना ही कहो, क्योंकि मेरी बहुरिया तो चाहती है जाना, लेकिन हम लोग शर्मसार हैं, ले नहीं जा पा रहे हैं। काहे कहा कि भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी बहुरिया की रहक जगह नहीं है। जिज्जी ने खुद अपने वीडियो में बताया था कि 6 सदस्य हैं, 6 कमरे हैं, एक कमरे में कानपुर में इतने दिन रही हैं, लेकिन 6 कमरों वाले घर में उनको जाने में समस्या है। जब कभी उनके भैया भाभी, एक जो विला कहीं बन रहा है विगत 4-5 साल से, जब कभी वो तैयार हो जाएगा, जब उनके जेठ जेठानी यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, उसके बाद ही हमार जिज्जी जाएगी। समझ में आवा है? चलो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार के लिए इशारे काफ़ी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।